आम खबर आपको दें, वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ़ को तब्दील किए जाने पर गौर किया जा रहा है। बीमारी के बायस अशतर औसाफ़ से इस्तीफ़ा लिए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने नए अटॉर्नी जनरल के लिए इरफान कादिर से राबता किया है। इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ बताइएगा, क्या इत्तला है? जी, हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसी बनाई गई है कि जो आला अदलिया है इसमें जारहाना हकम असम्बली जो है वो हुकूमत की होनी चाहिए, और इसी सिलसिले में जो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ़ हैं इनको तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। अशतर औसाफ़ को बीमारी का बहाना बनाकर उनसे इस्तीफा जो है वो लिया जाएगा, और वकील इरफान कादर जो हैं उससे हुकूमत की जानिब से राबता किया गया है, और उनको अटॉर्नी जनरल के ओहदे की जो संभालने की पेशकश की गई है, जिस पर इरफान कादर की जानिब से जवाब दी हामी भर ली गई है, और साथ में कहा गया है कि कुछ अहम अमूर हैं जिनको वो निपटा लें, और उसके बाद ये जिम्मेदारी जो है वो संभालने को तैयार हैं। और इससे कबल भी इरफान कादर जो हैं वो हमजा शहबाज के वकील के तौर पर जब पंजाब हुकूमत वजीर पंजाब के इंतखाब का केस था वो उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से पेश हुए थे और उन्होंने दलाइल दिए थे आला अदलिया के सामने, और अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जारहाना पॉलिसी और हिकमत अमली के लिए जो है वो इरफान कादर जो है वो मौजू अटॉर्नी जनरल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपडेट किया।